अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है तमाम दोस्त ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ FS पोस्टर को यूज़ करने का मेथड शेयर करूंगा कि आप किस तरह अपने ट्विटर अकाउंट को अपने FS पोस्टर अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। तो वैसे तो जिस तरह होता है लॉगिन कर लेते हैं, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बहुत सारी यूट्यूब अर्निंग से रिलेटेड वीडियोज़ क्रिएट करते रहते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी टेक्स्ट टू AI वीडियो देखेंगे तो इसमें मैंने सारा मेथड बताया है किस तरह आप टेक्स्ट से एक AI वीडियो और बहुत एडवांस लेवल की बना सकते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर मेरे पास वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है ओपन है और यहाँ पर प्लगइन पर आपने क्लिक करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले ये FS पोस्टर एक प्लगइन है वर्डप्रेस के लिए। इसमें सोशल ऑटो पोस्टर है, इसमें काफ़ी सारे जो सोशल मीडिया के आपके अकाउंट्स हैं उनमें ऑटोमेटिक शेयर किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये पेड वर्जन है, इसको आप यहाँ से codecanyon.net से परचेज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल पर सर्च करें, हो सकता है आपको इसका कोई ना कोई वर्जन मिल जाए या कोई किसी के पास पड़ा हो तो वो आपको दे दे। तो बहरहाल इसकी $45 प्राइस है और बहुत ही एडवांस लेवल का ये प्लगइन है। मैंने यहाँ पर इसको जो है वो अपलोड कर लिया और इंस्टॉल भी कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर ये FS पोस्टर नाम का एक आपके पास आ जाएगा, तो इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ नीचे अकाउंट्स वाले सेक्शन पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर जाने के बाद ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारे अकाउंट्स आपके पास ओपन। फ़र्ज़ करें आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और इसके अलावा लिंक्डइन वगैरह, रेडिट, वीके और वेब बुक वर्ड, जो भी चीज़ आप इसके साथ शेयर करना चाहते हैं। जिस तरह जेट पैक को यूज़ किया जाता है तो उसमें लिमिटेड चीज़ें होती हैं और वो फ्री भी है, अब शायद उन्होंने थोड़ा सा उसमें चेंजिंग किया है। तो उसमें यह है कि फेसबुक, ट्विटर, उसमें आप शेयरिंग कर सकते हैं। तो FS पोस्टर भी बहुत अच्छा प्लगइन है, इसको आप लाजमी यूज़ करें। तो यहाँ पर ट्विटर पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप ट्विटर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड एन अकाउंट पर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर ये दो ऑप्शन आपके पास, ऐप मेथड और कुकीज़ मेथड, आपने यहाँ पर कुकी मेथड जो है इस पर क्लिक करना है। बहुत इजी मेथड है। यहाँ पर द कुकी ऑथेंटिक टोकन, इस पर आपने क्लिक करना है। ये देखें, इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। यहाँ तक अगर आप आ चुके हैं तो यार मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपने जाना है ट्विटर पर, आपने ट्विटर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर प्रोफाइल पर आपने क्लिक कर देना है या होम पर किसी भी जगह पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे, एलिमेंट्स, कंसोल, सोर्सेज, नेटवर्क वगैरह। यहाँ पर ये एप्लीकेशन पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास काफ़ी सारे यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएंगे। यहाँ लेफ्ट साइड पर फर्स्ट है एप्लीकेशन, सेकंड है स्टोरेज। स्टोरेज के नीचे आपने यहाँ पर कुकीज़ वाले सेक्शन पर आना है और यहाँ पर ट्विटर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस साइट पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड पर कुछ न्यू ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑथेंटिक टोकन, यहाँ पर इस पर आपने सेलेक्ट करना है, डबल सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने अगेन अपने अकाउंट पर जाना है वर्डप्रेस वाले में और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर गेट एक्सेस पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं अकाउंट हैज़ बिन एडिट सक्सेसफुली। यहाँ पर इसको क्लोज़ करते हैं और यहाँ पर आपने टिक लगानी है और टिक करने के बाद एक्टिवेट पर आपने क्लिक कर देना है। अब ये हमारा जो अकाउंट है ये एक्टिवेटेड है, अब इसको यूज़ किस तरह आपने करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे इसी वर्डप्रेस में आपने FS पोस्टर के नीचे शेड्यूल का सेक्शन आ रहा है। शेड्यूल वाले सेक्शन में आने के बाद ये आप देख सकते हैं कैलेंडर, शेड्यूल और हैव इशू, ऊपर ये चीज़ें शो हो रही हैं। आपने यहाँ पर जाना है शेड्यूल पर कि आप किस तरह जो है अपनी पोस्ट को यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ऐड अ न्यू शेड्यूल, बेसिक डाटा में आपने कोई भी अपना नाम लिख देना। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पर न्यूज़ लिख देते हैं, जो भी आपके रिलेटेड टॉपिक है आपने वही वाला यहाँ पर ऐड करना है। इसके बाद यहाँ पर पोस्ट एवरी वन आवर, मिनट या डे, आप कितने टाइम के बाद अपनी पोस्ट को यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं। ये ऑटोमेटिक काम होने वाला है, आपकी ऑटो ब्लॉगिंग यहाँ से ऑन होगी। वन मिनट और यहाँ पर हम कर देते हैं जी हर 15 मिनट के बाद मेरी एक पोस्ट जो है वो यहाँ पर शो, और यहाँ पर ऑर्डर पोस्ट बाई रेंडमली विदाउट सप्लीके, और यहाँ पर कौन सी, तो यहाँ पर आपने हमेशा सेलेक्ट करना है स्टार्ट फ्राम द लेटेस्ट टू ओल्ड पोस्ट, यानी कि जो भी न्यू पोस्ट मेरी होगी मेरी वेबसाइट पर वो ऑटोमेटिक ट्विटर वाले अकाउंट पर शेयर हो जाए। उसके बाद यहाँ पर फ़िल्टर में आ जाना है, फ़िल्टर में आप दिन वगैरह और ये सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट्स पर जाना है और यहाँ पर कस्टम मैसेज कोई देना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हम कोई भी चीज़ ऐड नहीं करने वाले, यहाँ पर बेसिक डाटा पर जो चीज़ें ज़रूरी थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो इसके बाद यहाँ पर ऐड अ शेड्यूल, इस पर आपने क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पर ये मेरा अकाउंट है और यहाँ पर मैं प्रोफाइल वाले सेक्शन पर चला जाता हूँ। तो अभी मेरे पास ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने अभी कोई पोस्ट शेयर नहीं की। तो यहाँ शो मोर पर जाते हैं तो अभी थोड़ी देर के बाद जो है यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मेरी शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं हमारा जो प्लगइन है वो वर्किंग में है और यहाँ पर ये हमारा जो कैंपेन हमने लगा दिया है वो एक्टिव है। तो इस तरह आसानी आप FS पोस्टर को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और चीज़ को भी यूज़ करना चाहें तो आप यहाँ से दूसरे अकाउंट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं जिसमें आप Pinterest को यूज़ करें और Instagram को यूज़ करें। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एडवांस यहाँ पर ट्रैफिक होती है और बिलियंस में ट्रैफिक है। तो ट्रैफिक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ट्विटर जो है हमारे पास ट्विटर पर तकरीबन 7 बिलियन के करीब मंथली विज़िटर है। बहुत ज़्यादा विज़िट है यहाँ पर। आप इस चीज़ को लाजमी जो है वो एक्सप्लोर करें, अपनी चीज़ों को यहाँ पर शेयर करें, आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का बेनिफिट होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकॉन को भी ऑल पर लाजमी प्रेस कर दें।